हम यदि क्रिटिसिज्म की बात करते हैं तो क्रिटिसिज्म इज द कंपैरिजन, एक तरह की तुलना होती है। एनालिसिस, एनालिसिस मतलब एक तरह से व्याख्या जिसको हम कहते हैं, एक्सप्लेनेशन, बहुत ही गहराई से किसी चीज़ को ब्रेक डाउन करके समझना उस चीज़ को या किसी को समझाना। देन इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन मतलब होता है किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना, समझना हम कैसे उस चीज़ का मतलब समझ रहे हैं। और इवैल्यूएशन, कभी कभी ये एक इवैल्यूएशन भी होता है। इवैल्यूएशन मतलब वो अच्छा है या बुरा है, वो चीज़ बताना या समझना, ये भी एक तरह का क्रिटिसिज्म होता है। इवैल्यूएशन में यहाँ पर ए छूटा हुआ है, जिसको हम लोग आकलन भी कहते हैं हिंदी में, पता लगाना, ऑफ अ लिटरेरी वर्क। और ये किससे जुड़ा होता है, किसी भी लिटरेरी वर्क से। स्वाभाविक है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर लिटरेचर की ही बात होगी। यानी किसी भी लिटरेरी वर्क को यदि हम कंपेयर करके या उसका एनालिसिस करके या उसको इंटरप्रेट करके, इवैल्यूएट करके यदि हम समझते हैं या किसी को समझाते हैं तो वही एक तरह का क्रिटिसिज्म होता है। इट इज़ एन ओपिनियन, ये एक ओपिनियन होता है, एक व्यू कह लीजिए, परसेप्शन कह लीजिए, नज़रिया, विचार, राय, थॉट भी कह सकते हैं, सपोर्टेड बाय एविडेंस। और स्वाभाविक है यदि आप कोई लिखित राय देते हैं जब भी, तो साथ में आप साक्ष्य भी प्रस्तुत करते हैं, एविडेंस देते हैं, गवाह जिसको कह सकते हैं, साक्ष्य जिसको कहते हैं। और एनी हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल कंटेक्स्ट, या फिर वो कोई हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम कहेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन बहुत ही ऐतिहासिक घटना है या बहुत ही अच्छी घटना है। अब किसी का ये भी राय हो सकता है कि नहीं, ये सही नहीं हुआ, लेकिन हम अपनी ओपिनियन को प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, कुछ एविडेंस पेश करेंगे, कहेंगे कि यदि फ्रेंच रिवॉल्यूशन नहीं हुआ होता तो और सब देशों में भी आज हम फ्रीडम जो मूवमेंट्स हुए थे उसको नहीं देख पाते, क्योंकि बहुत सारे जो फ्रीडम मूवमेंट्स हुए थे वो क्या थे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इंस्पायर्ड थे। यानी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक एविडेंस पेश कर रहे हैं, हम उदाहरण समझा रहे हैं कि कैसे हम क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन को, हम कैसे बता सकते हैं कि वो अच्छा था या फिर बुरा था, या इसके दोनों ही इम्पैक्ट थे। हम लोग कहते हैं ना, पढ़ते हैं ना, परिणाम, परिणाम दो तरह का होता है, एक दुष्परिणाम होता है, खराब परिणाम भी कुछ इसका स्वाभाविक है, दोनों इफेक्ट होते हैं, अच्छे भी। जैसे नॉर्मली हम कोई मेडिसिन भी लेते हैं ना तो उसके सुने होंगे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो फायदे के साथ साथ आपको नुकसान भी पहुंचा रहा है। तो यही चीज़ है, या ये होता है ना कि ज़्यादा फायदा कर रहा है, नुकसान कम कर रहा है, तो वो एक तरह से हम लोग बेहतर समझ लेते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड्स डिस्कशन, इसमें चर्चाएं भी होती है, बेस्ड ऑन रिसर्च, जो कि रिसर्च पर बेस्ड होता है, अनुसंधान या तरह तरह के। हमने मान लीजिए 5-6 वर्क्स को पढ़ा, 5-6 ऑथर्स को पढ़ा, फिर जाकर अपनी राय बना रहे हैं, नहीं ये होना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, कि क्रिटिसिज्म पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट इट शुड ऑलवेज बी अनबायस्ड। ये बहुत बड़ी बात है, अक्सर ये नहीं देखने को मिलता है। अब ये वर्ड समझिए क्या है, ये अनबायस्ड होना क्या है, या सुने होंगे अक्सर लोग जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा पक्षपात करता है, बायस्ड होना। जैसे कि हम आज का एक सटीक उदाहरण ले सकते हैं, मीडिया, मीडिया पॉलिटिकल बायस्डनेस रखती है। आप ज़्यादातर मीडिया, मास मीडिया देख लें, अभी जिसकी सरकार होगी उसके पक्ष में बोलेंगे, क्योंकि वो सारे लगभग कंट्रोल में होते हैं, गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं, जो कि लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम आजकल तो स्वतंत्र भी है, इंडिपेंडेंट मीडिया, सुने होंगे यूट्यूब पर जो बहुत सारे जो रिपोर्टर्स वगैरह हैं, बहुत सारे इसके उदाहरण लिए जा सकते हैं, जो ऐसे हैं जो कि सिर्फ बीजेपी के सपोर्ट में बोलेंगे या फिर उसका ज़्यादा फेवर करेंगे, कुछ ऐसे हैं जो कांग्रेस को फेवर करेंगे। रवीश कुमार को देख लीजिए, वो अपने आप को अनबायस्ड भले ही कह ले, लेकिन उसका भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बायस्डनेस है, वो कांग्रेस को लेकर है। उसी तरह से कई ऐसे हैं जो बीजेपी को लेकर बायस्ड है। मीडिया में बायस्डनेस नहीं होना चाहिए, मीडिया छोड़िए, जीवन के हर एक एस्पेक्ट में, किसी भी हम पहलू में जाएँ, किसी भी फील्ड में जाएँ, वहाँ बायस्डनेस नहीं होना चाहिए। माँ बाप भी बच्चों के साथ कई बार बायस्डनेस दिखाते हैं, इस बच्चे का पक्ष ले लिए, इस बच्चे के खिलाफ या उसको थोड़ा रूडली रिस्पॉन्ड की, ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने से क्या होता है ना कि आप में भी कई बार हीनता पैदा हो जाती है, इन्फेरियरिटी, आपको लगेगा कि हमको वैल्यू ही नहीं मिल रहा है घर में, ऐसा हम फील करते हैं। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं क्या है, वो लैक ऑफ ट्रू क्रिटिसिज्म है, वो ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म
नहीं है। ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म में दोनों होता है, पॉजिटिविटी निगेटिविटी दोनों होता है, और ये पहली बात तो अनबायस्ड होता है, मतलब ये किसी के भी पक्ष में नहीं होता है, ठीक है। क्रिटिसिज्म में इंक्लूड, यहाँ पर एस नहीं होना चाहिए, क्रिटिसिज्म में इंक्लूड सम एलिमेंट्स इन ऑर्डर टू सपोर्ट एन आइडिया, इसमें कुछ चीज़ें ऐड करी जा सकती हैं ताकि हम अपने आइडिया अपने विचार को एक सपोर्ट दे सकें, समर्थन दे सकें, बट इट नेवर इंक्लूड्स अ प्लॉट समरी और बायोग्राफी और एनी सिंपल फाइंडिंग। यानी हम कोई सिंपल बेसिस पर कभी भी, जिससे सुनते होंगे कि हमको क्रिटिकल एनालिसिस करना है, क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब क्या होता है? क्रिटिकल एनालिसिस मतलब हम क्रिटिसाइज करेंगे उस चीज़ को, लास्ट में हम अपनी राय देते हैं, ये कैसा है, अच्छा है, या अच्छा है तो क्यों है, तो ये होता है क्रिटिकल एनालिसिस। लोग अक्सर इसको नहीं कर पाते हैं, जैसे मान लीजिए क्रिटिकल एनालिसिस पूछ रहा है हम सिर्फ समरी लिख दिए तो वो सही आंसर नहीं हुआ। क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब हुआ सब कुछ लिख कर लास्ट में अपना राय दें। जैसे हम लोग देखते हैं निबंध भी लिखते हैं तो लास्ट में निष्कर्ष देते हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए, ये जैसे होली पर ही लिख रहे हैं, लास्ट में हम लोग लिखते हैं कि नहीं होली पर कुछ बुरी चीज़ें होती हैं जो नहीं होना चाहिए, लोग इस मौके का गलत फ़ायदा उठाते हैं, अपराध करते हैं तरह तरह के, वो नहीं होना चाहिए, वो बंद होना चाहिए। बाकी तो भाईचारे की भावना है तो वो तो अच्छी बात है। देर आर मेनी टाइप्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिजम्स, बहुत तरह के क्रिटिसिज्म होते हैं बेस्ड ऑन जो परसेप्शन होता है उसके रिगार्डिंग, जो नज़रिया होता है उसको लेकर। कुछ उनमें से नाम यहाँ पर हैं, जैसे बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म, यानी किसी के जीवन पर जब आधारित होता है, बायोग्राफी मतलब जानते ही हैं जीवन हो जीवनी होता है, तो वो बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म कहलाएगा। जब तुलना की जाती है, कंपैरिजन होता है, तो उसको हम कॉम्पेरेटिव क्रिटिसिज्म कहेंगे। जैसे किसी एक वर्क को दूसरे वर्क से हम कंपेयर कर रहे हैं, वहाँ पर कॉम्पेरेटिव क्रिटिसिज्म हो। जैसे हम लोग पढ़ेंगे एक मैथ्यू आर्नल्ड का एक बहुत ही फेमस मेथड है कंपैरिजन करने का, क्रिटिसिज्म का, वो है टच स्टोन मेथड। उसमें हम जानेंगे किस तरह से वे कहते हैं कि हम किसी भी वर्क को इवेल्युएट करने के लिए या क्रिटिसाइज करने के लिए हम किसी ग्रेट वर्क का रेफरेंस लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कोई अभी प्रेजेंट ऑथर का कोई क्रिटिसिज्म करना है तो हम उसकी तुलना शेक्सपियर से, मिल्टन से, बहुत जो ग्रेट वर्क्स जिन्होंने लिखा है उनसे हम कर सकते हैं, तो वो भी एक तरह का क्रिटिसिज्म होता है जिसको हम कॉम्पेरेटिव क्रिटिसिज्म कहते हैं। फिर एथिकल क्रिटिसिज्म, एथिकल क्रिटिसिज्म एथिक्स समझते हैं, मोरलिटी जिसको कहा जाता है, यानी क्या अच्छा क्या नहीं, हम लोग बचपन से सुनते आते हैं ये सही है ये गलत है, उस बेसिस पर यानी मोरल बेसिस पर जब हम कोई क्रिटिसिज्म करते हैं तो उसको हम एथिकल क्रिटिसिज्म कहते हैं। फिर है एक्सप्रेसिव क्रिटिसिज्म, एक्सप्रेसिव मतलब जहाँ हम ये नहीं सोचते कि, कई बार देखिएगा इंसान इतने खुल जाते हैं कि वो सामने वाले का केयर ही नहीं करते क्या सोच रहे हैं नहीं सोच रहे हैं, हम अपनी राय को पूरा ही रखेंगे। जैसे कि आप वर्ड्सवर्थ को देख लीजिए, रोमांटिक क्रिटिसिज्म में क्या होता है कि वो लोग रीडर्स पसंद करें ना करें, हमें जो लगता है हम वही लिखेंगे। कई बार लोग सोच समझ कर बोलता है, कई लोग ऐसे होते हैं कुछ भी बोल देंगे मतलब समझना ही नहीं है, तो एक्सप्रेसिव वो हो गया, मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेसिव। हम दूसरों की राय विचार से अपने आप को नहीं जोड़ रहे, हम एविडेंस भी पेश नहीं कर रहे, हम बस अपने विचारों को रख रहे हैं, तो वो एक्सप्रेसिव क्रिटिसिज्म हो गया। देन है फिर फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, फेमिनिस्ट मतलब जैसे फेमिनिज्म शब्द समझते हैं, नहीं समझते तो जानिए, फेमिनिज्म मतलब हो गया जिसको कहा जाता है नारीवादी विचारधारा। जैसे हम क्या कोई भी हो सकता है, वो एक स्त्री भी पुरुष भी, यानी कोई पोएट पोएटेस यदि फीमेल के समर्थन में बोल रहा है वो फेमिनिज्म कहलाता है। और फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म का मतलब है जब कोई फेमिनिज्म को क्रिटिसाइज करे। जैसे मान लीजिए अक्सर जो है ना क्या होता है ना कि हमारे समाज में एक प्रायोरिटी मिल जाती है, कोई भी तरह का कोई क्राइम ही हो रहा है तो उसमें ज़्यादा फेवर फीमेल्स को मिलता है, देखा जाता है ऐसा, और उसको यदि कोई क्रिटिसाइज करे तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए समाज में अक्सर हम बातें सुनते हैं लेकिन कपड़े पर सवाल उठते हैं, लेकिन लड़कियां कहती है माई चॉइस, ये भी तो गलत है, दोनों परसेप्शन से देखा जाए तो ये एक तरह का, यदि हम इस चीज़ का खंडन करेंगे तो वो एक तरह से फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म हो जाएगा, यानी उनके विचारों को क्रिटिसाइज करना। फिर है हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म, यानी हिस्ट्री के बेसिस पर होता है। फिर है मिमेटिक, मिमेटिक मतलब होता है, एक वर्ड ये डेवलप हुआ है मेमेसिस से, मेमेसिस मतलब होता है जैसे इमिटेट करना, किसी का नकल करना, कॉपी करना। जब नकल की जाती है, जैसे मान लीजिए इलियट ने हमें बताया कि नहीं क्रिटिसिज्म ऐसा होना चाहिए, हमने उसी के तर्ज पर कोई क्रिटिसिज्म करा, यानी नकल करते हुए कॉपी करते हुए, तो वो मेमेटिक क्रिटिसिज्म कहलाता है। देन है
प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक वर्ड यदि नहीं समझ पा रहे तो इसका मतलब होता है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, जिसके लिए आई ए रिचर्ड्स जाने जाते हैं। आई ए रिचर्ड्स, वो नाम हम लोग पढ़ेंगे भी उसके बारे में एज ए क्रिटिक, प्रैग्मेटिक क्रिटिसिज्म या प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। फिर है साइकोलॉजिकल क्रिटिसिज्म, जो मनोविज्ञान पर आधारित हो, स्वाभाविक है, यानी हमारे मन में जो तरह तरह के सवाल होते हैं उस पर यदि आधारित हो। फिर है सोशल क्रिटिसिज्म, यानी सोसाइटी पर बेस्ड हो, स्वाभाविक है, हर सोसाइटी के मान्यताएं, बिलीफ्स जो होती हैं अलग अलग होती हैं, उस आधार पर यदि कोई क्रिटिसिज्म किया जाए, खास करके समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखकर यदि किसी को क्रिटिसाइज किया जाए। फिर है टेक्स्चुअल क्रिटिसिज्म, टेक्स्चुअल मतलब किसी के टेक्स्ट के बेसिस पर, जैसे अब हम देखिए आपको यदि हम पढ़ेंगे आगे, अभी पढ़ने वाले हैं, जिसको कहा जाता है थ्योरी ऑफ इम्पर्सनलिटी, दिया है टी एस एलियट ने, उन्होंने कहा है कि यदि आप किसी वर्क को क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, तो आप उस इंसान से मत जोड़िए उसको, उस वर्क को, इंसान को भूल जाइए कि उसने लिखा किसने है, आप बस वर्क देखिए कि लिखा क्या है उसने, उसको आप क्रिटिसाइज कीजिए, वही हो गया टेक्स्चुअल क्रिटिसिज्म। मतलब ये हम नहीं सोचते कि जैसे कोई हम स्टेटमेंट को क्रिटिसाइज करेंगे तो ये हम भूल जाएंगे, जैसे हमारी मानसिकता क्या होती है, समाज की मानसिकता क्या होती है कि महान आदमी यदि कुछ कहा तो बढ़िया ही होगा, ऐसा तो नहीं है, लेकिन उसकी महानता को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, समझ लीजिए कि ये किसी सिंपल कॉमन मैन ने कहा है, तब आप उस पर कैसा रिएक्शन देंगे उस तरह से आप कीजिए। फिर है थियोरेटिकल क्रिटिसिज्म, जब किसी थियोरी के बेसिस पर किया जाता है, बहुत सारी थियोरीज दिए गए, जैसे आपको अभी बताया हम टच स्टोन मेथड हो गया, एक थियोरी ऑफ इम्पर्सनलिटी जो बताया अभी क्लियर टी एस एलियट का, तो इन सब बेसिस पर यदि किया जाए तो वो थियोरेटिकल क्रिटिसिज्म कहलाएगा। सम ऑफ द मेजर इंग्लिश क्रिटिक्स आर, कुछ नाम यहाँ पर हमने लिखे हैं, जैसे टी एस एलियट, एज्रा पाउंड, सब लगभग पढ़ने वाले हम लोग, जॉन ड्राइडन, एस टी कॉलरिज, जैक डेरिडा, फिलिप सिडनी, आई ए रिचर्ड्स, हर्बर्ट रीड, वॉल्टर पैटर, मैथ्यू आर्नल्ड एट्सेट्रा। तो ये सारे क्रिटिक्स हैं, इनमें से लगभग को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यही है हमारा क्रिटिसिज्म।